इतना दिन से होली का मजाक बना दिया था लोग, कुछ गावत रहे लोग, कुछ भी उठा के गा दे रहा था लोग, मजा नहीं आ रहा था दोस्त, मजा नहीं आ रहा था। आज मजा आया है भाई गाना सुनकर, पवन सिंह का, खेसारी लाल यादव का, किसने मारी बाजी, दोनों गाना टकरा गए आपस में। नमस्कार, मेरा नाम दयाशंकर ओझा है, आप देख रहे हैं दयाशंकर ओझा चैनल। वीडियो को अभी से लाइक करना चालू कर दीजिए। खेसारी लाल यादव जी फिर से व्यूज के मामले में आगे निकल गए, लेकिन गाना किसका अच्छा लगा ये आपको जानना है इस वीडियो में। खेसारी लाल जी का गाना आता है भगिनवा के फुआ, 3,40,000 व्यूज गया है, और गाने में खेसारी लाल यादव, यामिनी सिंह जी ने गजब का परफॉर्मेंस दिया है भाई। पवन पांडे जी ने गाने को लिखा है, एकदम पुराना फ्लेवर का गाना है, सरारा बोल के गाए हैं खेसारी जी, और खेसारी जी ने फिर से प्रूव कर दिया कि भाई व्यूज के मामले में तो मुझे हराना इतना पॉसिबल नहीं है। लाइक ठोको इस बात पे। पवन सिंह का गाना चोलिए पे, भाई कहते हैं ना कि आवाज के जादूगर है महाराजा, और सच में गजब का आवाज दिया है गाने में, मजा आ गया आपका गाना सुन के। इसी का हम लोग वेट कर रहे थे, यही बोल रहे थे कि पवन सिंह जी अच्छा लाइए, अच्छा लाइए, देखिए अच्छा गाना है तो अच्छा बोल रहे हैं। अब वो जो गाना आप लाए थे चुड़िया छोट भाई पहुना, एकदम मुझे बेकार लगा था, तो मैं बोला था आज का गाना सच में पवन सिंह जी अलग लेवल पे गाए हैं। और हाँ, नोटिस करने वाली बात मुझे ये लगी, अनजान बिंदु ये जो फीमेल सिंगर है, इनका वॉइस पवन जी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। और पवन सिंह के फैंस को मैं बोलना चाहूंगा कि ये सब गाने को ना व्यूज लाओ, इतना व्यूज दो कि पवन सिंह जी के झोली भर दो, ऐसे ऐसे गाने को व्यूज दो। पूरा पवन सिंह जी ने पुराने फ्लेवर का भाई एकदम मिश्रण लगा के, जो बोलते हैं ना कि पुराने तरीके से गाया है, और वो भी सरारा बोल के, जोगीरा बोल के। व्यूज के मामले में अभी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन हाँ ये लंबी रेस का घोड़ा बनेगा भाई। अगर नंबर की बात करो कि खेसारी जी के गाने को कितना नंबर देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से खेसारी जी के गाने को 8 नंबर में देता हूँ। और बात करो पवन सिंह जी के गाने को कितना नंबर देना चाहिए, मेरे हिसाब से पवन सिंह जी का गाना भी 8 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि दोनों खेसारी जी का गाने में कोरियोग्राफी बहुत ही कमाल का है, पवन सिंह जी के गाने में मुझे पवन सिंह जी का वॉइस बहुत ही कमाल का लगा। आपको क्या लगा कमेंट जरूर कीजिए, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से जिला से देख रहे हैं, जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।